हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज. टुडे इज 19th ऑफ अगस्त 2019 एंड आप लोग करंट अफेयर्स का ये लेक्चर देख रहे हैं. इस लेक्चर को एक्सक्लूसिवली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया गया है. तो आप में से जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. गाइज, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल सोर्सेज की न्यूज़ को कवर करते हुए चलते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है. पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं. राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं. प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं. सो गाइज, ये लेक्चर आप लोग को कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, तो यहाँ पर जो भी न्यूज़ को, करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होती हैं, जिनसे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है. प्लस जो भी कंसेप्चुअल न्यूज होती है उनसे रिलेटेड मैं आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करता हूँ. और मेन्स आंसर राइटिंग के लिए न्यूज में से क्या क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ. और गाइज, न्यूज में जो भी जनरल स्टडीज का टॉपिक आता है यानी कि स्टैटिक पोर्शन, तो उसको भी काफी डिटेल में हम लोग कवर करते हुए चलते हैं. और इसी प्रकार से डेली बेसिस पर यहां पर मेरे द्वारा करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है. सो गाइज, लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले नीचे जो लाइक का बटन दिया गया है इस लाइक के बटन को हिट कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन पे हिट किया है कि नहीं, क्योंकि अगर आप इन दोनों बटन्स पे हिट करेंगे तो हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी. इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है एग्जामिनेशन की, आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस इवन यहां पर समय समय पर टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं. और इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम को सर्च करोगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं और वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली न्यूज से. तो बात की जा रही है महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान अवार्ड्स के बारे में. तो गाइज, अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा कई सारे लोगों को इस पर्टिकुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया. तो जान लेते हैं ये अवार्ड जो है वो क्या है और किससे रिलेटेड है. तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि ईयर 2002 में इस अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया था, और ये अवार्ड उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, पाली, प्राकृत, क्लासिकल ओरिया, क्लासिकल कन्नड़, क्लासिकल तेलुगु, क्लासिकल मलयालम जैसी लैंग्वेजेस में या फिर ऐसी फील्ड में जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो उन्हीं लोगों को रिकॉग्नाइज करते हुए इस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाता है. और ये अवार्ड जो है गाइस, जो युवा जो होते हैं, यंग स्कॉलर्स जो होते हैं, उनको दिया जाता है जिनकी उम्र 30 से 45 साल के बीच में होती है. तो ये वाली चीज भी आप याद रखिएगा. इस अवार्ड में एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर जो है वो दिया जाता है, मेमेंटो इसमें दिया जाता है, और वन टाइम कैश प्राइज भी 1,00,000 रुपए का दिया जाता है. तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं इस महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान अवार्ड से रिलेटेड, राइट. और 2019 के लिए हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा कई सारे युवाओं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया. अब देखिए, कई सारे लोग इसमें क्वेश्चन मत कीजिएगा, यहां पर आप बात कर रहे हो सर ऑनरेबल प्रेसिडेंट की, और देखिए जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इस पर्टिकुलर अवार्ड को दे रहे हैं कई सारे लोगों को, राइट. तो इसमें बिल्कुल जो है वो इलॉजिकल बातें मत कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे. मेन चीज जो है वो ये है कि ये अवार्ड जो है वो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रोवाइड कराते हैं. और देखिए, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा जिनको अपॉइंट किया जाता है, जिनको कहा जाता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बिहाफ में ये अवार्ड दे दो, तो वो दूसरे इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, जैसे कि हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, राइट. दूसरी बात करें तो देखिए, जैसे कि यूपीएससी की बात करो आप, तो यूपीएससी में जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, तो आपको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा? ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा. बट ऑनरेबल प्रेसिडेंट खुद आकर थोड़ा ना आपको देंगे, राइट. इवन आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट के आपको सिग्नेचर तक मिल जाए. तो बिल्कुल अपनी क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर रखो. आप लोग को सिर्फ काम की चीज़ें पढ़नी है जो कि यूपीएससी के लिए या फिर आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और कोई और चीज़ों पे विवाद करने की आवश्यकता नहीं है फालतू की, राइट. तो उससे क्या होगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा बस. और जो समझदार लोग होते हैं पढ़ने लिखने वाले, वो सिर्फ अपने काम की चीज़ों पर फोकस करते हैं. बस यही चीज़ बतानी थी, और अगर किसी को बुरा लगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट. अब देखिए, महर्षि बद्रयान के बारे में बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, राइट. महर्षि बद्रयान जी के बारे में कुछ डिटेल, जैसे एंशियंट हिस्ट्री वगैरह जो आती है ना, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा. अब देखिए गाइज, यहां पर बताया जा रहा है कि महर्षि बद्रयान जो है वो एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनके बारे में, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में किसी को भी नहीं पता. कई सारे स्कॉलर्स का कहना है कि महर्षि बद्रयान जी के द्वारा जो
ब्रह्म सूत्र जो है वो लिखी गई थी, तो ये ब्रह्म सूत्र जो है ये 500 से लेकर 450 BCE के पीरियड में लिखी गई थी। अब देखिए ईयर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये चीज याद रखिएगा कि महर्षि बद्रयान कौन है, तो ये एक इंडियन फिलोसोफर हैं, और बहुत बड़ी बात यह है कि इनको वेदांता सिस्टम ऑफ फिलोसफी के फाउंडर कहा जाता है, यानी कि ये फाउंडर है वेदांता सिस्टम ऑफ फिलोसफी के, राइट। तो ये वाली चीज आप याद रखिएगा, इनके काम में हम लोग को देखने को मिलता है वेदांता सिस्टम के ऊपर, उन्होंने कई सारी बेसिक बुक्स जो है वो लिखी हैं, राइट, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदांत सूत्र जिसको ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो ये है हम लोग को देखने को मिलती, तो ब्रह्म सूत्र याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म सूत्र किसके द्वारा लिखी थी, तो ये हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि बद्रयान जी के द्वारा लिखी गई थी, राइट। और डेट आर नॉट इंपॉर्टेंट, कब लिखी थी, क्या लिखी थी, बट थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रह्म सूत्र के बारे में कि ब्रह्म सूत्र क्या है। तो सबसे पहली चीज तो आपको फोकस ये करना है कि जो उपनिषद जो है गाइस, तो उसी को समराइज करके ये ब्रह्म सूत्र में जो है वो लिखा हुआ है उपनिषद को, तो ये आपसे पूछा जा सकता है उपनिषद के बारे में कि उपनिषद जो है वो मतलब किससे रिलेटेड है, तो ब्रह्म सूत्र अगर ऑप्शन होता है तो आप उस पर टिक करेंगे, या फिर महर्षि बद्रयान जी के बारे में पूछा जाए इस प्रकार का क्वेश्चन, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये उपनिषद है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत टारगेट करती है इस प्रकार के। और ब्रह्म सूत्र में टोटल 555 सूत्रास हैं, चार चैप्टर्स में है, तो ये सब हमारे काम का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और बस थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये याद रखिएगा कि इस ब्रह्म सूत्र में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, कि कैसे ह्यूमन जो है उसका एग्जिस्टेंस हुआ, राइट, एप से लेकर ह्यूमन बीइंग तक कैसे हुआ, ये ब्रह्मांड जो है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ब्रह्मांड बना है, राइट, पूरी धरती कैसे बनी है, पूरा यूनिवर्स कैसे बना है, इस यूनिवर्स की रियालिटी क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ फिलोसफी जो है वो उसमें ब्रह्म सूत्र में लिखी गई है। तो ये दो चार चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें इसके पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये टोटल चार चैप्टर्स में इसके 555 सूत्रास या वर्सेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इसके हर एक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट। तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इन सब चीज़ों पे एंशियंट हिस्टोरियन जो है वो आपको नहीं बनना है, आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये दो चार चीज़ें बस याद रखो जो मैंने आपको बताई, दैट्स इट। गाइस अब बात करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में, तो सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि एक बार किसी प्लास्टिक को यूज करके जो फेंक दिया जाता है, जैसे कि डिस्पोजेबल कटलरीज वगैरह जो होती हैं, जैसे कि आप कभी शादी में गए होगे, आपने डिस्पोजेबल ग्लास में पानी पीकर उसको वहीं फेंक दिया होगा, तो आपने क्या किया, एक ही बार उस प्लास्टिक का उपयोग किया। तो गाइस सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा भी 73rd इंडिपेंडेंस डे वाले दिन उनकी स्पीच में कहा था, इन्होंने बोला था कि हम लोग को सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है वो पूरी तरह से खत्म कर देना है इंडिया से, राइट। तो इन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में स्ट्रेस डाला, और आप जानती हो गाइस कि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो कितना ज्यादा डेंजरस है, नॉट इवन फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर एनवायरमेंट और सभी चीज़ों के लिए हम लोग देख रहे हैं, यानी कि पानी में मौजूद स्पीसीज के लिए भी, इवन सॉइल को भी ये खराब कर देता है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, राइट। तो इसको हम लोग को जल्द से जल्द खत्म करना है, राइट, पूरी तरह से, तो इसी के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्ट्रेस डाला गया था सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर। तो यहीं से ही आपको मेंस के क्वेश्चन जो है वो उठ सकते हैं, या फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठ सकते हैं, बट सिंगल यूज प्लास्टिक की अगर बात करें तो यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन उठने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो एक चीज़ तो अपन को क्लियर हो गई कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, कि एक बार किसी प्लास्टिक को यूज़ करके फेंकने वाले प्लास्टिक, जैसे कि स्ट्रॉज हो गए, बॉटल्स वगैरह हो गई, कटलरीज हो गई इस प्रकार की, राइट, कांटा चम्मच हो गया, चम्मच हो गई, ऐसी कुछ चीज़ें, राइट। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, बट गाइस प्रॉब्लम इज कि सिंगल यूज प्लास्टिक की कहीं पर भी कोई भी सेंट्रल या कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे कि प्लास्टिक क्या है, तो उससे रिलेटेड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास भी कोई डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, राइट। तो सभी लोग जो है वो अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से डेफिनेशन जो है वो बना देते हैं, बट एक कोई लीगल कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ क्या आवश्यकता है कि हमारे पास अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है वो बैन करना है इंडिया से, तो उसकी डेफिनेशन होना ज़रूरी है। तो आप मेंस में इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे जो मैं अभी बताते जा रहा हूँ। इसके अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने प्लास्टिक बॉटल्स, टेट्रा पैक, सिंगल यूज स्ट्रॉस, प्लास्टिक स्टायरोफोम टी कप्स कंटेनर और इस प्रकार की जो सिंगल यूज प्लास्टिक की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया। तो राज्यों के नाम अगर आप मेंस में याद करके लिख पाओ तो काफ़ी अच्छी बात है। और बट ये भी बोला जा रहा है कि इन सब राज्यों ने तो बैन कर दिया, बट बिहार ने सिर्फ और सिर्फ पॉलीथीन बैग्स को ही बैन किया है अभी तक। तो हम लोग को अब पॉलीथीन बैग्स से ऊपर जो है वो उठना है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करनी है, अब कहानी सिर्फ पन्नी जो होती है, पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं, सिर्फ उस तक ही नहीं सीमित रखनी है, उससे आगे भी अब बढ़ना है, राइट। तो इसमें ये चीज़ यहाँ पर एम्फेसाइज की गई है जो कि आपको पता होनी ज़रूरी है।
गाइज, इसके अलावा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए। तो 20 से भी ज्यादा राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने का काम चल रहा है। सभी लोगों ने मिलकर, 20 से भी ज्यादा राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने मिलकर यह फोकस किया है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म कर दिया जाएगा। और पिछले साल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन भी की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की प्रशंसा की गई बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि इंडिया ने जो है गाइस ये प्लेज की थी कि इंडिया 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है वो पूरी तरह से खत्म कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। तो आप टारगेट जो है ये मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया का टारगेट है कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से इंडिया से एलिमिनेट करना है, राइट। और ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन इंडिया ने प्लेज लिया था, टारगेट जो है वो सेट किया था। और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है तो ये चीज आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे, राइट। और इसके अलावा गाइज, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल पर आप बेंगलुरु का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक टाइम था जब बेंगलुरु में 2 टन से भी ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया जाता था हर दिन, और आज की रेट में 100 किलो से भी कम प्लास्टिक वेस्ट हर दिन कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये देखिए, बेंगलुरु जो है ये प्लास्टिक पॉल्यूशन को संभालने के लिए काफी अच्छा काम कर रहा है, और इसका काम जो है वो हम लोग को ऐसे रिजल्ट के थ्रू देखने को मिल रहा है। तो आप मेंस में इस एग्जांपल को जरूर मेंशन कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताइएगा कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। जिन लोग को नहीं पता वो सर्च करके अभी लिखकर बताइए, क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे सर्च करके लिखने की तो आपके दिमाग में काफी समय तक वो डेट जो रहेगी वो याद रहेगी, राइट। और इसके अलावा गाइस, कमियां कहां कहां पर आ रही है इंडिया को, जैसे आज की डेट में भी हम लोग देख रहे हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, राइट। और प्लास्टिक जो है वो मैंने आपको बताई कि कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है, और आप जानते ही हैं एनवायरनमेंट के लिए, सॉइल के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए। तो क्या कहाँ कहाँ पर क्या क्या कमियाँ हैं ये चीज़ समझो आप। तो देखो, आज की रेट में सभी लोग क्या कर रहे हैं गाइस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस प्रकार की जो ऑनलाइन हम लोग को कंपनीज देखने को मिलती है वहाँ से अपना सामान ऑर्डर करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक सामान जो है वो अमेजॉन से ऑर्डर किया है, और ऐसे कई सारे लोग जो है वो डेली बेसिस पर सामान ऑर्डर करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये कंपनी से जब सामान घर में आता है तो इसको जब आप खोलते हैं तो इससे निकलती है कई सारी पन्नी, राइट, कई सारे प्लास्टिक वेस्ट इससे जनरेट होते हैं। बट यहाँ पर बोला गया है जो भी प्लास्टिक वेस्ट इस प्रकार की पैकेजिंग से जनरेट होता है, और आज की रेट में लोग काफ़ी सारी चीज़ें मंगवा रहे हैं, जैसे उबर की अगर हम लोग बात करें, उबर ईट्स की, राइट, उबर ईट्स हो गया, जोमैटो हो गया, तो इस प्रकार की, स्विगी वगैरह हो गई, इस प्रकार की एप्लीकेशन के चलते लोगों के घर तक खाना आ रहा है, और लोगों ने रेस्टोरेंट जाने का कल्चर जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज की रेट में होम डाइनिंग कल्चर जो है वो शुरू हो गया, राइट। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, क्योंकि लोग आजकल जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं खाना वाना खाने के लिए, वो घर पर ही अपना खाना ऑर्डर कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार की भी चीज़ें, एक कल्चर जो है वो इंडिया में डेवलप होता हुआ जा रहा है, राइट। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी हम लोग एक ही चीज़ देख रहे हैं कि जो भी खाना वगैरह आ रहा है वो प्लास्टिक बैग्स वगैरह में आ रहा है, और जिसके चलते प्लास्टिक्स जनरेट भी हो रहा है और साथ ही साथ पॉल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये बताया जा रहा है, ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं, ऐसी जो पैकेजिंग के थ्रू हम लोग को देखने को मिल रही हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी नियम नहीं है, कोई भी कानून नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो आप लिखेंगे, पहले तो ये प्रॉब्लम लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि ये, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। बट ये आप कब लिखेंगे, ये नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसके साथ ही साथ नहीं लिखेंगे। आप मेंस के आंसर में क्या करना पड़ता है कि पहले तो आपने जो है वो इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर बॉडी जब बनाओगे आप तो उस बॉडी में पहले आप प्रॉब्लम्स लिखोगे, फिर उसके सॉल्यूशन कैसे करने हैं वो लिखोगे, और उसके बाद फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया कि प्लास्टिक वेस्ट जो है वो यहाँ यहाँ से जनरेट हो रहा है, और उसके नीचे आपने लिख दिया कि गवर्नमेंट को आवश्यकता है प्लास्टिक वेस्ट को इस प्रकार की चीज़ों को से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की, लॉ, कानून बनाने की। तो ये तो आप लिख रहे हो वो सही है, बट एक सिस्टमैटिक फॉर्म में नहीं होगा फिर वो। पहले आप ये प्रॉब्लम लिखेंगे, ऑनलाइन वाली प्रॉब्लम, उबर ईट्स और इस प्रकार के कल्चर वाली प्रॉब्लम। दूसरी आप लिखेंगे जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है, इसमें बाकायदा मैंशन है कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, इम्पोर्टर्स होते हैं, ब्रांड ओनर्स होते हैं, तो उनको कलेक्ट बैक सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करना है। तो कलेक्ट बैक सिस्टम क्या होता है, तो कोई भी कंपनी वाला है, इसने कुछ सामान बनाया, राइट, सामान बना के मार्केट में इसने बेचा, जैसे ये कंपनी है, ये सामान बना रही है, कंपनी ने क्या किया, मार्केट में जो है वो सामान बेचा, उसके जो लोग बाग जो है वो आकर सामान खरीदा इनने, और जो भी ये पैकेजिंग वगैरह जो थी इनकी, इसको उन्होंने क्या किया, बाहर डस्टबिन में फेंक दिया, राइट। तो ये बोला गया कि यहाँ से ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो आप भी प्लास्टिक जो आप जनरेट कर रहे हो, जो आप प्लास्टिक मार्केट में डिलीवर कर रहे हो, उस प्लास्टिक को आपको वापस से कलेक्ट करना है, राइट। तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत क्लियर कर दी गई है। बट द प्रॉब्लम इज वेयर, द प्रॉब्लम इज कि जो भी
जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर नहीं किया जा रहा है. कई सारी आज भी ऐसी कंपनी है जो कि कलेक्ट बैक सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही है, तो ऐसी कंपनीज को जो है वो मॉनिटर करने की आवश्यकता है, सर्वेलांस की यहां पर आवश्यकता है. राइट, और भी क्या कमियां हैं? तो देखो होता क्या है कि जैसे कि यहां पर आप देखो कि सब्जी वाले जो होते हैं गाइस वो पन्नियों में सब्जी वगैरह बेचते रहते हैं. आज भी हम लोग को देखने को मिलती है, आप किसी भी सब्जी वाले के पास जाओ तो आपको इस प्रकार की पॉलीथीन बैग में आपको सब्जी दे देगा. राइट, द प्रॉब्लम इज कि बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, जो जैसे कि अभी हमने बात करी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में, तो जैसे एक कोई जैसे वॉलमार्ट की बात कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है, तो वॉलमार्ट वगैरह जैसी एक बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उसके पास कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जाकर नहीं बोलता कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग मत करो नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. बल्कि क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो क्या करते हैं, ये सब्जी वाले को देखते हैं कि सब्जी वाला जो है वो पॉलीथीन बेच रहा है तो इसको जो है वो अंदर करा देते हैं. राइट, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सभी की है और इसमें सभी लोग को कवर करना चाहिए, इंक्लूडिंग जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, बड़ी बड़ी रिटेलर शॉप्स जो होती हैं. राइट, जिनके सुपरमार्केट्स वगैरह जो होते हैं बड़े बड़े. राइट, बट होता क्या है हमारे यहाँ छोटे आदमी को पहले टारगेट कर दिया जाता है, बिकॉज एवरीवन नोज, ऑफिशियल को भी पता होता है कि बड़े आदमी को टारगेट करेंगे तो कहीं हमारी नौकरी ना खतरे में आ जाए, तो ऐसा प्रोसीजर नहीं होना चाहिए. राइट, और ऐसा होता ही हम लोग को देखने को मिलता है, कई सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, इवन सॉरी टू से बट यस, आईएएस ऑफिसर्स भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वो ज़्यादातर छोटे लोगों को, छोटे जो दुकानदार वगैरह होते हैं उनको टारगेट करते हैं. राइट, तो इससे अच्छा पहले चीज़ ये होनी चाहिए कि जो बड़ी बड़ी जो सुपर मार्केट्स वगैरह हैं वहाँ पर जाके टारगेट किया जाए. तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो दो तीन चीज़ तो मैंने आपको बता दी, इसके साथ ही साथ बात करते करते तो आप अलग से लिखेंगे कि आवश्यकता क्या है कि गवर्नमेंट को जो भी वेस्ट जनरेट कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ फाइन जो है वो स्ट्रिक्ट बेसिस पर इम्पोज करना चाहिए. राइट, और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो है उनको अपने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए. राइट, बेटर सर्विलांस, बेटर मॉनिटरिंग जो है वो उनको करनी चाहिए. और साथ ही साथ जो स्टार्टिंग की अगर बात करें, जब हम लोग ने टॉपिक को स्टार्ट किया था, मैंने आपसे क्या बोला था, सिंगल यूज प्लास्टिक की या सिंगल जो प्लास्टिक जो हम लोग को देखने को मिलती है तो उसकी कोई भी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, तो इसकी पहली बात तो इसको लीगलाइज किया जाए, इसको एक इसकी लीगल डेफिनेशन जो है वो लाई जाए सिंगल यूज प्लास्टिक की. राइट, तो इसकी आवश्यकता है. तो ये इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा और सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड आप ये सब पॉइंट जो है वो मेंशन कर सकते हैं. आई होप कि आपको इससे रिलेटेड चीजें क्लियर होगी होगी. और ये टॉपिक गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बात करी और आज की डेट में आवश्यकता ही है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना है. राइट, चलो तो एनीवेज अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं. तो ये बात की जा रही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, बहुत ज्यादा चर्चा में ये टॉपिक अभी न्यूज में दो तीन दिन से आपको देखने को मिल रहा है ना. तो ये क्या है गाइस, तो ये इट इज हाई मिलिट्री ऑफिस दैट ओवरसीज एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ थ्री सर्विसेज. हमारे यहाँ की तीन सर्विसेज कौन सी है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवल फोर्स. राइट, तो ये हमारी तीन सर्विसेज हम लोग को देखने को मिलती हैं. राइट, इंडिया इसकी अगर बात करें मिलिट्री सर्विसेज की तो ये तीन सर्विसेज हैं और यहाँ पर एक चौथी सर्विसेज भी हम लोग को देखने को मिलती है, इंडियन कोस्ट गार्ड. बट इसको जैसे कि अगर बात करते हैं ना कि जो हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो कौन सी, तो ज़्यादातर लोग आर्म फोर्सेज में सिर्फ ये तीनों ही सर्विस को गिनते हैं. बट नहीं गाइज, आर्म फोर्सेज के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड भी इंक्लूडेड होती है. राइट, तो ये वाली चीज़ भी याद रखिएगा. बट यहाँ पर सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात की जा रही है. तो इन तीनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक बॉडी जो है वो बनाने की घोषणा करी है जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. राइट, तो ये बॉडी होगी, ये तीनों विंग्स जो है हमारी आर्म फोर्सेज हैं इनको आपस में इनको कोऑर्डिनेट करेगी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बताएगी जो भी इनका कोऑर्डिनेशन होता है उससे रिलेटेड. राइट, तो अभी तक क्या होता था, अभी तक इन तीनों बॉडीज के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता था जिसके चलते पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस में काफी ज्यादा डिले हुआ करते थे. राइट, तो CDS शैल प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप एट द टॉप लेवल टू द थ्री विंग्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड टू हेल्प इंप्रूव कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग देम. तो CDS जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेट करेंगे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे और जो भी पॉलिसीज वगैरह बनती हैं तो उस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होंगे वो काम करेंगे. समझ में आ रही है आपको बातों को? अब देखो इसमें हुआ क्या है, आज की रेट में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वेरियस न्यूज़पेपर्स, कई सारे यूट्यूब चैनल जो हैं जो डेली न्यूज़ एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो उन्होंने इस CDS को जो है वो हवा बना दिया, हाइप बना दिया कि ये बहुत बड़ी चीज़ है. बहुत बिल्कुल, आप पता है क्या होता है कि आप किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में पूरी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो करने लगते हो, बोलते हो कि यार हमें तो जो है वो इस पे पूरी डिटेल में एक एक चीज़ जो है वो उसके बारे में अच्छे से जानी जरूरी है. तो गाइस देखो, UPSC जो है उसका आप चीज़ों को समझो, UPSC आपसे मास्टरी नहीं करवाना चाह रहा है.
आपसे बस बोल रहा है कि आपको जनरलाइज नॉलेज होना चाहिए किसी चीज के बारे में. और होता ये है कि गाइस जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं ना, वो किसी चीज को इतना हाइप कर देते हैं, इतने एडिटोरियल्स देते हैं उसके बारे में, इतने आर्टिकल देते हैं, बट होती वो चीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम की नहीं होती. कुछ चंद चीजें होती हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काम की जो आपको कलेक्ट करनी है और जो मैं आपको यहां पर डेली बेसिस पर बताऊंगा. और ट्रस्ट मी, अगर आप मेरा ट्यूटोरियल, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ, रेगुलर व्यूअर्स को तो पता ही है, अगर आप मेरा ट्यूटोरियल रेगुलर बेसिस पर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर होगा. क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं न्यूज़ टॉपिक्स को पिकअप करता हूँ तो ये सिर्फ मेरा पिकअप करने का काम नहीं होता, हमारी जो पूरी टीम है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, ये वेरियस न्यूज़ को पिकअप करती है. मेरा काम होता है कि एक जो न्यूज़ होती है उनको तीन चार एडिटोरियल आर्टिकल को पढ़ता हूं मैं, उसके बाद फिर उसकी समराइज बनाकर आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कि क्या होता है कि आपको हर एक चीज के बारे में पता लगे और क्या काम की चीज है वो आपको पता लगे, राइट. तो टॉपर्स का आपने इतने सारे वीडियोस देखे होंगे, क्या बोलते हैं टॉपर्स, स्मार्ट वर्क करना है आपको, हार्ड वर्क नहीं करना है. हार्ड वर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो इतना ज्यादा कोर्स है ना कि आप उलझ जाओगे, कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा कोर्स, इतना है. तो मेन मेन चीज जो पॉइंट की है बस वो पढ़ो, बाकी आगे बढ़ो, राइट. चलो एनीवेज, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उनकी स्पीच में जो है वो कहा गया था अभी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में. तो देखो गाइस, एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आज तक, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक, क्या इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवल फोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कोई बॉडी नहीं बनाई? तो ऐसा नहीं है गाइस, एक बॉडी बनी थी और बनी है भी बेसिकली, जिसका नाम है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन है गाइस, वो तीनों विंग्स को आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, बट ये एक टूथलेस बॉडी की तरह थी, या फिर ये जो चेयरमैन थे वो टूथलेस थे, इनके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कोऑर्डिनेशन करने की, राइट. तो ये किसी काम की बॉडी नहीं थी. तो आप जो है वो इतनी सिंपल सी चीज बस एक याद रखिएगा कि हाँ, एक पहले भी बॉडी थी. और 1945 से देखो आप, ये बॉडी देखने को मिल रही है, इसके चेयरपर्सन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट. और पिछले तीन सालों की बात करें तो बीरेंद्र सिंह जो थे वो, उनको अभी रिसेंटली ही अपॉइंट किया था. सुनील लांबा जी की अगर बात करें, अरूप राहा जी की अगर बात करें, तो देर आर जो चेयरमैन जो थे तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, तो उनका काम हुआ करता था कोऑर्डिनेट करने का, बट उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी. अब जो बात की जा रही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, तो ये पावरफुल बॉडी होगी, ये बिल्कुल कोऑर्डिनेशन का काम करेगी तीनों विंग्स के बीच में, राइट. तो इस प्रकार से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. अब देखिए, ये सब नाम वगैरह इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये सब चीज़ें याद मत रखिएगा. और जब इसके प्रपोजल की अगर हम लोग बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के, तो प्रपोजल कब रखे गए थे, तो देखो अभी नहीं हुआ बिल्कुल, ऐसा कि अभी कई लोग बोलेंगे बीजेपी गवर्नमेंट आई उनने ऐसा कर दिया, एनडीए आई उसने ऐसा कर दिया, तो ऐसा कुछ मत बोलिएगा, राइट. तो सिंपल सॉलिड 2000 से ही जो है वो प्लान्स बनना शुरू हो गए थे कि एक सीडीएस जो है वो होनी चाहिए, राइट. कारगिल रिव्यू कमेटी 2000 ने भी रिकमेंडेशन दिए थे सीडीएस के बारे में. नरेश चंद्र टास्क फोर्स 2012 में बनाई थी, उन्होंने भी बोला था कि इस प्रकार की एक बॉडी होनी चाहिए, राइट, जो कि आपस में कोऑर्डिनेट कर सके तीनों विंग्स के बीच में. तो इस प्रकार की चीज़ है. और इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है गाइस, तो जैसे मैंने आपको बताया कि होता क्या है गाइस कि कोई भी डिफेंस प्लानिंग होती है, पॉलिसीज वगैरह बनती हैं, राइट, तो उसको काफ़ी समय लग जाता है एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि इन तीनों बॉडीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, राइट, कि इंडियन एयरफोर्स को क्या परेशानियाँ चल रही हैं, इंडियन आर्मी को क्या परेशानी चल रही है, तो उनको सेपरेटली जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू जो है वो अपनी बातें पहुंचानी पड़ती थी. बट अब क्या होगा गाइस कि ये कलेक्टिवली तीनों की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो एक साथ जो है वो सॉल्व करके समराइज तरीके से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीडीएस को बताएंगे, और उसके बाद फिर प्लानिंग जो है वो फास्ट हो जाएगी. हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए एक मूव है. अब देखिए, इसमें क्या हुआ है गाइस कि यहां पर होता यह था कि जो लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग जो हुआ करती थी, और कोई भी चीज जब लंबे समय तक चलती है तो क्या होता है गाइस कि वो किसी काम की नहीं होती. अब जैसे ये बोला गया कि इवन अ करेक्ट डिसीजन इज रॉन्ग व्हेन इट इज टेकन टू लेट, अगर किसी डिसीजन को आप काफी देर बाद लोगे तो वो डिसीजन किसी काम का ही नहीं होगा. तो सेम विद द केस यहां पर भी हम लोग को देखने को मिलता है, और इस प्रकार की चीजें आप लिख सकते हो. जैसे कि जुडिशरी के भी बारे में हम लोग अगर बात करें तो पॉलिटी वगैरह जब आप पढ़ोगे तो एक कोड चलता है वहां पर, जस्टिस डिलेज जस्टिस बरीड, इस प्रकार का कोड जो है वो चलता रहता है कि जितना जो न्याय जो है जितना देरी से लोगों को मिलेगा, इसका मतलब ये है कि न्याय जो है वो किसी काम का ही नहीं है. तो ऑब्वियस ही बात है ना, अगर कोई एक इंडिविजुअल है जब वो किसी केस में लड़ रहा है वो, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल अपनी जमीन के केस के लिए लड़ रहा है, अब होगा उसको 40 साल के बाद फिर वो केस जीता और जब तक पता लगा कि उसकी मृत्यु हो गई, और ऐसे भी केसेस हुए हैं, तो वो उस इंसान का केस लड़ना किसी काम का ही नहीं हो, क्योंकि इतना डिले हो गया वो केस कि उस इंडिविजुअल जो है वो चल बसा, स्वर्गवास हो गया उसका, राइट. तो कोई भी डिसीजन जब काफी देरी से लिया जाता है तो वो डिसीजन किसी काम का नहीं होता. तो इस प्रकार से चीजें जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं मेंस में. ये सब चीजें मेंशन करने से क्या होता है पता है, आपका आंसर जो है वो एक अच्छा रिफ्लेक्ट करता है.
अब देखिए कई सारे लोग जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सीडीएस वगैरह के बारे में, तो ये सब फालतू की बातों पे हम लोग को के ऊपर जो है वो नहीं जाना है। ये सब चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं आने वाली आपके एग्जाम में, और न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल्स से आप मत डरिए बिल्कुल भी, क्योंकि आपको क्या करना है, बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग एक टॉपिक के बारे में क्रिएट करनी कि सीडीएस का काम क्या है। वो हमने पूरा काम जो है वो उसका देख लिया कोऑर्डिनेट करने का, बस दैट्स इट। पहले कोई कमेटी थी इस प्रकार की या फिर पहले कोई ऐसी बॉडी थी जिसने सीडीएस को रिकमेंड किया, तो हाँ किया। तीसरी चीज़ हमने देखी कि अभी इससे पहले भी, सीडीएस के आने से पहले भी या सीडीएस की बात होने से पहले भी, एक बॉडी 1945 से चलती आ रही है जो कि तीनों विंग्स के बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, बट वो उतनी पावरफुल बॉडी नहीं है। बट अब सीडीएस को पावरफुल बनाया जा रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो वगैरह डाल के और इस प्रकार से यूपीएससी एस्पिरेंट्स को डरा रहे हैं और सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसके बारे में और पढ़िए। अब और इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी। दो तीन चीज़ें बस आप याद रखो जो काम किए, बस दैट्स इट, राइट। तो यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक सीडीएस से रिलेटेड। आई थिंक आपको बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी इसके बारे में। अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अब बात की जा रही है विलेज वॉलंटियर सिस्टम के बारे में। तो आंध्र प्रदेश में वार्ड एंड विलेज वॉलंटियर सिस्टम जो है उसको लॉन्च किया गया। ये देखिए आंध्र प्रदेश की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है। इसका एम ये है, एफिशिएंट एंड करप्शन फ्री डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्कीम टू हाउस होल्ड। जो भी गवर्नमेंट जो है, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्कीम बनाती है, वो स्कीम सभी लोगों तक पहुंचे, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर सिस्टम को जो है वो तैयार किया है, विलेज वॉलंटियर सिस्टम को, जिसको वार्ड एंड विलेज वॉलंटियर सिस्टम बोला जा रहा है। और यहाँ पर विलेजेस पे जो है वो स्ट्रेस दिया गया कि विलेजर जो है गाइस, तो कई बार ऐसा होता है कि गांव का जो निवासी होता है उसको गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम को का बेनिफिट उठाने के लिए उसको ब्राइब देनी पड़ती है कई सारे ऑफिसर्स को, तब जाकर उसको उस स्कीम का लाभ मिलता है। आपने कई बार देखा होगा कई सारे ऐसे जो विलेजर्स होते हैं, राइट, तो उनको जो है वो पहले ब्राइब देनी पड़ती है और उसी के बाद फिर ऑफिसर उनका काम करते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है उसके बाद काम करते हैं। तो ऐसी करप्शन को रोकना है और गवर्नमेंट की स्कीम प्रॉपर हर एक विलेज तक पहुंचे, हर एक विलेज निवासी तक पहुंचे, राइट, हाउस होल्ड्स तक पहुंचे, घर घर जाकर स्कीम्स के बारे में जो है वो बताया जाएगा, राइट, वॉलंटियर्स वगैरह के द्वारा। तो ये जो सिस्टम है इसी प्रकार से काम करेगा, राइट, समझ रहे हो आप बातों को। और गांधी जी के द्वारा भी कहा गया था, द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, राइट। तो ये टर्म भी आप उपयोग कर सकते हैं। और आप जानते हो कि हमारे यहाँ जो रूरल पॉपुलेशन है गाइस, वो 68% हम लोग को देखने को मिल रही है रूरल पॉपुलेशन, और हम लोग को स्ट्रेस जो है वो रूरल पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए देना है। और प्रिलिम्स में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बकायदा मेंशनड है, राइट, टॉपिक हमारे पास है। मेंस में भी हम लोग को टॉपिक्स देखने को मिलते हैं रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है जहाँ पर भी रूरल वगैरह की बात आती है। तो देखिए विलेज वॉलंटियर सिस्टम के फीचर्स क्या क्या होंगे, तो टेक गवर्नेंस टू द डोर स्टेप ऑफ पीपल, लोगों के घर घर जाकर उनको स्कीम के बारे में बताया जाएगा, उनको फैसिलिटीज के बारे में बताया जाएगा वॉलंटियर्स के द्वारा। इसमें 2.8 लाख वॉलंटियर्स, एग्जैक्ट नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट ये लिख सकते हो 2.5 लाख या 3 लाख, 3 लाख लिख सकते हो आपकी 3 लाख, लगभग अराउंड 3 लाख वॉलंटियर्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे जो लोग घर घर जाकर जो है वो काम करेंगे। वॉलंटियर को भी 5,000 रुपये पर महीने के हिसाब से जो है वो फीस दी जाएगी, सॉरी सैलरी वगैरह दी जाएगी। इस प्रकार से सैलरी नहीं बोलेंगे इसको, स्टाइपेंड बोलते हैं इसको, राइट। तो ये 5,000 रुपये दिया जाएगा। अपन ने पढ़ा भी था इसके बारे में, कई सारे वॉलंटियर्स वगैरह जो होते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, राइट, तो उनके लिए समय समय पर गवर्नमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो निकालती है। अपने बात भी करी थी इसके बारे में। तो इस प्रकार से वॉलंटियर्स होंगे जिनको 5,000 रुपीज़ मिलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बस ये सब चीज़ें याद रखिएगा गाइस कि यहाँ पर घर तक लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट की सुविधा जो है वो पहुँचाने के लिए ये विलेज वॉलंटियर सिस्टम जो है वो शुरू किया है आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें लोगों की प्रॉब्लम भी जो है वो आइडेंटिफाई की जाएगी, लोगों तक पहुँच कर, यानी कि वॉलंटियर्स का काम सिर्फ स्कीम के बारे में बताने का नहीं होगा, स्कीम का बेनिफिट दिलवाने का नहीं होगा, बल्कि जो लोग बाग जो है, विलेजर जो है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है एक्चुअल, तो वो भी ग्राउंड लेवल पर सुनी जाएगी उनकी प्रॉब्लम्स, और उसको नोट डाउन करके रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री के पास या डिपार्टमेंट के पास जो है वो पहुँचाई जाएगी। और इसमें बोला गया कि हर एक वॉलंटियर जो है वो 50 फैमिलीज को हर एक विलेज में कवर करेगा, तो एक वॉलंटियर 50 फैमिलीज को कवर करेगा। और विलेज सेक्रेटेरिएट जो है गाइस, ये सेटअप किए जाएंगे हर एक विलेज में, जहाँ पर बताया जा रहा है कि गवर्नेंस की डिलीवरी की जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं, बेनिफिट्स वगैरह हैं, वो लोगों को डिलीवर किए जाएंगे 72 घंटों के अंदर अंदर। तो ये वाली बात भी एक बताई जा रही है, यानी कि टाइम बाउंड तरीके से ये पूरी जो इनिशिएटिव है, पूरा काम जो है वो होगा, हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यही था बस इसके बारे में दो तीन चीज़ें जो ध्यान में रखिएगा गाइस, इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा गाइस, बाय द वे कुछ चेंजेस मैंने लेकर आया हूँ अपने ट्यूटोरियल में, तो आपने शायद नोटिस कर लिए होंगे इस प्रकार से। तो मैं आज की डेट में मैंने सोचा था, यानी कि इस मतलब संडे को
सुबह से मैं सोच रहा था कि मैंने कहा यार आप लोग को जो मैं ट्यूटोरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल भी काम की नहीं होती है, राइट। तो मैंने फोकस किया बिल्कुल टारगेटेड चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँ, जिससे कि क्या होगा, एक तो आपका समय भी बचेगा, दूसरी बात मेन इंपॉर्टेंट ये रहेगी कि आपको एक्चुअल में क्या लिखना है वो सब चीज़ें बस आपको याद रहेगी, बेजबर में एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन को लेने की आवश्यकता ही नहीं है अपन को जो काम की नहीं है। तो ऐसा मैंने सोचा और इसलिए इस प्रकार का इनिशिएटिव मैंने क्रिएट कर दिया अपना। और अगर आपको पसंद आया है कि इस प्रकार से आपको फोटो इमेजेस मैप वगैरह के थ्रू या इस प्रकार की स्मार्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ पढ़ाऊँ, और आपको अगर पूरी चीज़ें सही से समझ में आ रही है तो ही बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर, नहीं तो फिर मैं कल से या परसों से एक दिन और रुक कर प्रीवियस वाला अपना कंसेप्ट जो है वो शुरू कर दूंगा जो मैं पहले से पढ़ाता था। तो उसमें क्या होता था, उसमें यही सेम चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना वही लिखा बस रहता था उसमें ज़्यादा डिटेल में, और होता वो कुछ काम का नहीं था, एक ही चीज़ 50 बार लिखी रहती थी, किसी मतलब की नहीं होती थी। तो मैंने वही सोचा कि शॉर्ट तरीके से आपको जो भी काम का है वो मैं रखूं, और जो जिसमें एक्सेसिव एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आप अपने पास नोट भी डाउन करते जाइए, और बाद में जब आप जैसे कि अगर आपके पास इसकी PDF होगी इस ट्यूटोरियल की, तो इसकी PDF को देखकर आपको पूरा 2 सेकंड के अंदर पूरा रिविजन हो जाएगा, क्योंकि रिविजन टाइप का भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रकार का एक इनिशिएटिव लेकर आऊँ, अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर बताइएगा। गाइस अब इस टॉपिक की बात करें तो देखिए स्पेशल पर्पस ट्रस्ट फंड के बारे में बात की जा रही है। इंडिया ने $1 ट्रिलियन यूनाइटेड नेशन स्पेशल पर्पस ट्रस्ट फंड को दिया है। स्पेशल पर्पस ट्रस्ट फंड बेसिकली एक प्रकार का स्पेसिफिक फंड हम लोग को देखने को मिलता है जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटेरिएट में ही मैनेज किया जाता है इसकी फंडिंग। तो यूनाइटेड नेशन का ये आप लोगों देखिए, और ये इसका सेक्रेटेरिएट हम लोग को न्यूयॉर्क में जो है वो देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन का। तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका, कैरेबियन सी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, कैरेबियन सी कहाँ पर है तो उसकी लोकेशन देख लो आप, गल्फ ऑफ मेक्सिको से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसकी लोकेशन देखो आप, राइट। और ये अटलांटिक ओशियन, और यहीं पर ही हम लोग को क्या देखने को मिलता है सेक्रेटेरिएट यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क में, राइट। और अभी रिसेंटली शायद अकबरुद्दीन जो है गाइस जो कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन के लिए, इन्होंने अभी रिसेंटली ट्वीट किया और इस प्रकार से बोला कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड में रिफॉर्म लाने के लिए इंडिया के द्वारा जो है वो $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया गया है। किसके लिए हमने कंट्रीब्यूशन दिया यहाँ पर, तो ये रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर सिस्टम के लिए दिया। तो एक पहली चीज़, तो अगर SPTF आता है तो आपको पता होना चाहिए ये एक स्पेशल स्पेसिफिक फंड हम लोग को देखने को मिलती है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटेरिएट में जो कि मैनेज करती है फंडिंग्स वगैरह को, और हमने दिया है रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर सिस्टम के लिए। तो रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर सिस्टम क्या है गाइस, देखो क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए काम करती है, जो यूनाइटेड नेशन के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, राइट। तो इसको जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्रीज़ हैं, कि वो ये सब गोल जो है वो अचीव कर पाएँ, राइट। तो उसके लिए वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो यूनाइटेड नेशन के जो वॉलंटियर्स वगैरह जो होते हैं उन तक जो है वो फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, यूनाइटेड नेशन के ऑफिस पर फंडिंग प्रोवाइड की जाती है जो वेरियस डेवलपिंग नेशंस में हैं। बताया जा रहा है कि एट प्रेजेंट इसकी टीम 130 कंट्रीज से भी ज़्यादा में हम लोग को देखने को मिलती है रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर्स की। तो ये क्या करते हैं गाइस, तो ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए फंड जो है वो प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही होती है उस कंट्री में, राइट। तो इसी के लिए ये फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और ये जो यूनाइटेड नेशन स्पेशल पर्पस ट्रस्ट फंड जो है ये बेसिकली एक टेंजिबल तरीका है जिसके थ्रू पता लगता है कि यहाँ पर कौन सी कंट्री कितना कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए या वेरियस कुछ एक्टिविटीज़ के लिए। तो इसमें बेसिक सी चीज़ है जिसका नाम काफ़ी बड़ा है, जिसको सुनकर आप कन्फ्यूज हो सकते हो, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ ये याद रखना है कि रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर सिस्टम जो है वो एक तरह का सिस्टम देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसकी यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट के लिए जो जितनी भी कंट्रीज़ में जो उसका काम चल रहा है डेवलपमेंट को लेकर, तो वहाँ पर जो है वो पैसा पहुँचाया जाता है डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट करने के लिए। अब देखो कुछ भी चीज़ करनी है, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी को करना है तो उसके लिए तो चाहिए ना पैसे ही चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जितने भी जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स होते हैं तो वॉलंटरी तरीके से यानी कि खुद की इच्छा से जब वो कुछ पैसा जो है वो इस प्रकार से प्रोवाइड कराते हैं। तो इंडिया ने इस प्रकार के जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए $1 मिलियन जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, राइट। तो यही था बस, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है जानने वाली, बस इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखो। गाइज अब बात की जा रही है तमिल योमैन के बारे में। तमिल योमैन क्या है गाइज, तो ये एक बटरफ्लाई है जिसको तमिलनाडु ने स्टेट बटरफ्लाई जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। क्वेश्चन आ सकता है तमिलनाडु की स्टेट बटरफ्लाई का नाम बताइए, तो इसका नाम है तमिल योमैन। अब इसका साइंटिफिक नेम ये है, अब जिसको भी जैसा भी इसको प्रोनाउंस करना है वो प्रोनाउंस कर लीजिएगा और याद कर लीजिए बस ये इसका साइंटिफिक नेम इस प्रकार से है CIRRO CHROATHAIS। अब इसको चीरो क्रोआ
थाइस बोलो या फिर जो भी बोलो आप, बट ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये थोड़ा सा बस ध्यान में रखना जरूरी है. बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तमिलनाडु ने, हालांकि ये साइंटिफिक नेम इस पर्पज़ के लिए नहीं पूछा जाएगा आपसे, बेसिकली पूछा जा सकता है कि तमिल योमैन जो है वो क्या है. तो तमिलनाडु की स्टेट बटरफ्लाई अभी उसने रिसेंटली डिक्लेयर किया है जिसका नाम है तमिल योमैन. हालांकि गाइस ये वाला टॉपिक हम लोग पहले भी काफी पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब अगेन न्यूज में देखने को मिल रहा है. तो देखो एक चीज क्लियर करो कि बटरफ्लाई से रिलेटेड दो तीन बार ऐसे टॉपिक जो है वो न्यूज में आ चुके हैं, राइट, सेम टॉपिक इसी प्रकार के. तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट्स है जिन्होंने स्टेट बटरफ्लाई जो है वो डिक्लेयर करी हुई है, राइट. तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखकर बताइए कि किस किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई जो है उन्होंने डिक्लेयर करी है. अभी के अभी इसलिए पॉज करके लिखिए क्योंकि इसके आने वाली स्लाइड में मैं आपको उन स्टेट गवर्नमेंट के नाम भी बताने वाला हूँ. तो देख लेते हैं किनको नाम पता है उस स्टेट गवर्नमेंट्स के और जिन्होंने स्टेट बटरफ्लाई जो है वो डिक्लेयर करी हुई है. जो तमिल योमैन तमिलनाडु की स्टेट बटरफ्लाई बन गई, इसको लोकल बोला जाता है तमिल मारवान के नाम से, और तमिल मारवान जो है जिसको तमिलियन वॉरियर भी बोला जाता है. एक कैनोपी बटरफ्लाई हम लोग को देखने को मिल रही है जिसका लगभग साइज जो है वो 60 से 75 mm का है. कैनोपी बटरफ्लाई देखो गाइस तो ये कैनोपी टाइप की है, यानी कि इसके पूरे विंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से हम लोग को कवर्ड देखने को मिलते हैं, राइट. इसके विंग जो है वो, कई सारी आप बटरफ्लाई ऐसी देखोगे जिसके विंग्स जो है वो काफ़ी कम होते हैं, राइट, या फिर काफ़ी अलग अलग प्रकार के हम लोग को देखने को मिलते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं थोड़े से, बट ये ऐसी नहीं है, ये कैनोपी बटरफ्लाई है. इतना जाना नहीं है डिटेल में, जनरल में आपको बता रहा हूँ. इसका साइज जो है वो 60 से 75 mm का देखने को मिल रहा है और ये ब्रश्ड फूटेड बटरफ्लाई की फैमिली से बिलोंग करती है, या फिर इसको निम्फ एलियाड भी जो है वो बोला जाता है इस फैमिली को, राइट. और ये ज़्यादातर जो है वो मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है तमिलनाडु माउंटेनियस रीजन की, तो उसके फुट हिल पर पाई जाती है ये, राइट. तो तमिलनाडु की ये स्टेट बटरफ्लाई है तमिल योमैन, और केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तमिलनाडु, तो ये अभी तक 5 स्टेट्स हैं जिनके पास खुद की स्टेट बटरफ्लाई, जैसे कि स्टेट एनिमल होता है, स्टेट बर्ड होती है, वैसे ही अब स्टेट बटरफ्लाई भी देखने को मिल रही है. और अभी तक सिर्फ 5 ही ऐसे राज्य हैं जिन्होंने स्टेट बटरफ्लाई जो है वो डिक्लेयर करी है. अब देखिए केरला जो है वो है मालबार बैंडेड पीकॉक इसका नाम है. अब देखिए याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिया जा सकता है. कर्नाटका ने सदर्न बर्ड विंग्स नाम की स्टेट बटरफ्लाई का नाम रखा है. महाराष्ट्र ने ब्लू मॉर्मोन एक स्पीसीज है बटरफ्लाई की, उसका नाम रखा है. और उत्तराखंड जो है उसने कॉमन पीकॉक नाम की बटरफ्लाई का नाम रखा है. और तमिल योमैन 5वीं ऐसी स्टेट बन गई है तमिलनाडु. सॉरी, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था, आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से. तो तमिलनाडु जो है वो 5वीं ऐसी स्टेट बन गई है जिसने तमिल योमैन नाम की बटरफ्लाई का जो है वो ये स्पीसीज जो है उसको अपनी स्टेट बटरफ्लाई जो है वो बना लिया है. तो दीज आर द 5 स्टेट्स जिनके पास स्टेट बटरफ्लाइज हैं, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग से डेफिनेटली आ सकता है. अब देखिए कोंडापल्ली टॉयज के बारे में बात की जा रही है. सबसे पहली चीज़ तो कोंडापल्ली टॉयज कहाँ मिलते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में मिलते हैं. कोंडापल्ली टॉयज को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है, और ये कोंडापल्ली टॉयज जो हैं वो इंडिया और एब्रॉड में भारी मात्रा में बेचे जाते हैं, राइट. तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कोंडापल्ली टॉयज कहाँ पे मिलते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में मिलते हैं और यहीं की ये वैरायटी है. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी इनको मिला हुआ है और कोंडापल्ली टॉयज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेचे जाते हैं इंडिया में भी और बाहर भी. तो देखो गाइज, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग को देखने को मिल रही है. इस वेबसाइट का URL जो है वो ये है. आप इस URL में जाना और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे क्लिक कर देना, राइट. या फिर डायरेक्टली जिन लोगों के पास PDF होगी, ये URL जो है वो कॉपी कर लेना एक बार आप और पेस्ट कर लेना अपने ब्राउजर पे, क्योंकि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि जिसमें क्या लिखा रहेगा, जिसमें क्वेश्चन है और उसके आंसर है. जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, जो कि मैं आपको काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें लिखा है कि ये एक इंडिकेशन है. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी, यानी कि जो भी जिस भी पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर ही कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो मिलता है या बनता है, तो उस प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, राइट. जैसे कि कोंडापल्ली टॉयज जो है वो आंध्र प्रदेश के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे आपको पूरे इंडिया में, राइट. इसके अलावा इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैनुफैक्चर्ड गुड्स. तो इसमें एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं, मैनुफैक्चर और गुड्स होते हैं, नेचुरल गुड्स भी हो सकते हैं. द मैनुफैक्चर गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस्ड और प्रिपेयर्ड इन दैट टेरिटरी. तो उसी टेरिटरी यानी कि जिस लोकेशन पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जा रहा है, उसी लोकेशन पर वो प्रोडक्ट जो है वो बनना चाहिए, उसके अलावा बाहर कहीं बनना नहीं चाहिए, ये वाली बात है. इट शुड हैव स्पेशल क्वालिटी और रेपुटेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब देखिए हर एक प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग तो नहीं मिलता, जो प्रोडक्ट फेमस होता है, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, जो यूनिक होता है, उन्हीं प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है.
राइट. तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है तो आप ये रीड कीजिएगा इसके बेनिफिट, और इस वेबसाइट पर जरूर जाकर पूरी चीजों के बारे में चेक कीजिएगा. राइट. तो यही है पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कोंडापल्ली ट्वाइस से रिलेटेड. राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन काफी बार हम लोग को न्यूज में देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि आपसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाए. राइट. तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक. अब देखो नेक्स्ट एक एडिटोरियल सामने आया है, सिम्टम एज कॉज ऑन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वोस. तो देखो हुआ क्या है गाइस अभी कि बुलेट मांगू ना कार मांगू, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत भारी गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है. राइट. कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लोग बाग आज की रेट में ना कार परचेस कर रहे हैं, ना बाइक परचेस कर रहे हैं, ना कोई भी व्हीकल परचेस कर रहे हैं. काफ़ी जो शार्प फॉल जो है वो हम लोग को ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिला है. पैसेंजर कार में -26.03% का, यूटिलिटी व्हीकल में -5.64% व्हीकल का. तो बताया जा रहा है कि बहुत लगभग बहुत ही बड़ा फॉल जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 19 साल के बाद हम लोग को देखने को मिला है. बहुत तेजी से गिरावट हुई है. राइट. और देखो कितनी गिरावट हुई है, क्या गिरावट हुई है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट ये चीज समझना जरूरी है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत भारी गिरावट एट प्रेजेंट नोटिस की गई है. और इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में गई पूरी दुनिया भर में चौथे नंबर पर आती है. इंडिया में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो बड़ा हम लोग को देखने को मिलता है चौथे नंबर पर इंडिया, और इसकी बहुत बड़ी गिरावट हो गई है. तो देखो सोचने वाली क्या बात है गिरावट होने से, कि यहां पर जॉब का खतरा है. अब देखो गाइस ऑटोमोबाइल सेक्टर को हल्के में मत लेना आप. कई लोग सोचेंगे कि यार ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट है, कोई लोग कार नहीं ले रहे तो मत लेने, तो उनकी इच्छा, पर्सनल इच्छा उनकी, बट नहीं गाइस ऐसा नहीं है. इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो इम्बैलेंस हो सकती है, इकोनॉमी पे झटका पड़ सकता है. कैसे पड़ सकता है, सिंपल सी चीज़ बताऊंगा जिससे आप सभी लोग एग्री करोगे. गाइस एक गाड़ी है, एक गाड़ी को बनने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं. देखो टायर लगता है. अब टायर जब लग रहा है उस टायर कंपनी में काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होंगे, जॉब्स उस टायर कंपनी की होगी. अब अगर कार नहीं बिकेगी तो क्या होगा, टायर भी बिकना बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. राइट. दूसरी बात ग्लासेस, जो ये विंडशील्ड हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है, ग्लासेस वगैरह हैं. राइट. इलेक्ट्रॉनिक का पूरा सामान है, जैसे कि इसमें जो प्लेयर्स वगैरह लगे रहते हैं, तो ये तो छोटी बात. राइट. इसके अलावा इंजन वगैरह बनना, तो इसको अगर आप एक कार को अलग अलग कर दो तो उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे. सीट मिल जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टील मिल जाएगी. तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये कोई भी गाड़ी है अगर आप उसको पूरी तरह से डिसमेंटल कर लो तो आपको माइन्यूट से माइन्यूट प्रोडक्ट मिलेगा. और अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे उस माइन्यूट से माइन्यूट प्रोडक्ट को तो आपको पता लगेगा कि कितनी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो जुड़ी हुई हैं कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए. राइट. कार को बनाने के लिए या व्हीकल को बनाने के लिए. तो ये इसका एक झटका पड़ता है. अगर ऑटोमोबाइल नहीं बिक रही है, कारें नहीं बिक रही हैं, तो इससे एसोसिएटेड जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें भी मंदी जो है वो छा जाती है, स्लो डाउन जो है वो छा जाता है, गिरावट आ जाती है. तो ये बहुत बड़ा इशू है. अब इसके कारण क्या होगा गाइस, इसकी जॉब पे काफ़ी खतरा है. अब ऑटोमोबाइल कारें वगैरह नहीं बिक रही हैं तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने साथ एम्प्लॉयज़ को तो रखेगी नहीं, वो तो उसको बोलेंगे कि निकलो. राइट. और ऐसा हुआ है, फेडरेशन ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के द्वारा रिसेंटली ही वार्निंग दी गई थी कि काफ़ी सारी जॉब जो है वो जाने का खतरा है. और आज की रेट में इंडिया जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में और भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में शार्प फॉल होने के बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है कि और बड़ा झटका पड़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में. तो ये तो और भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है. तो ये घबराने वाली बात है, ये मजाक वाली बात नहीं, ये काफ़ी घबराने वाली बात है कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट है तो ये हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी को हिला सकता है. और इस स्टेज में जहाँ पर स्लो डाउन चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है, और इस पर्टिकुलर स्थिति में अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी से गिरावट और आ जाती है तो एक बहुत बुरी स्थिति जो है वो इंडिया के लिए डेवलप हो सकती है. तो जैसा मैंने आपको बताया, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ने ऑलरेडी वार्निंग दी थी इस बारे में कि लोगों की जॉब जो है वो खतरे में है, जा सकती है. इन्होंने वार्निंग दी थी कि 200,000 जॉब जो है वो ऑलरेडी जा चुकी हैं और आने वाले समय में और भी जा सकती हैं. और इस चीज़ को एग्री किया था सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा. इन्होंने एडमिट किया और कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने अभी तक पिछले 3 महीनों में 15,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को निकाल दिया है. राइट. और वर्कर्स जब की जॉब जो छूट रही है गाइज वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर वर्कर्स को जॉब नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है कि इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारी कंट्री की GDP से जो है वो पड़ेगा. राइट. डायरेक्ट रिलेशन. राइट. हमारी कंट्री में जो है वो डाउनफॉल आ जाएगा और पॉवर्टी और इस प्रकार की इश्यूज जो है वो और भी तेज़ी से बढ़ने लगेंगे. अब देखो अगर जॉब्स किसी के पास नहीं रहेगी तो क्या होगा, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो खत्म हो जाएगा. अगर सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया पूरी तरह से तो क्या होगा, पॉवर्टी और इस प्रकार के इश्यूज जो है वो बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे. राइट. तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है जिसको आप मेंशन कर सकते हैं, और या फिर आपको जिसको समझने की आवश्यकता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. मारुति सुजुकी कितनी बड़ी कंपनी है, मारुति आप सभी लोग जानते हैं.
इन्होंने बोल दिया था कि ये 1 अप्रैल से डीजल कार्स को बेचना बंद कर देंगे पूरी तरह से, 1 अप्रैल से इन्होंने मारुति डीजल ने फुल स्टॉप जो है वो लगा दिया है, और इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अगर मारुति डीजल कार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है तो इसका मतलब समझ लो कि काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं जो कि डीजल कार्स को मैन्युफैक्चर करने में जो लगे हुए हैं, तो उनकी नौकरी खतरे में है। और इंडिया के पास कोई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं है नौकरियों का, तो ये एक बहुत ही गंभीर सोचने वाली बात है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्लो डाउन होने के क्या क्या कारण हैं, तो गाइस जनरल इलेक्शन अभी रिसेंटली हुआ तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसने व्हीकल परचेज को पोस्टपोन कर दिया। मार्केट फेलियर, शेयर के प्राइजेस में एकदम से क्रैशेज हुए, शेयर कई सारी कंपनीज के डाउन हो गए हम लोग को देखने को मिला। डिजास्टर एक बड़ा कारण है, अभी हमने देखा बाढ़ आई थी, फ्लड आया था कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम, गोवा जैसे राज्यों में, जिसके चलते कई सारे लोग, गाड़ी तो दूर की बात, उनका घर वर सब खराब हो गया, नष्ट हो गया, राइट। और पॉवर्टी और इस प्रकार के इशू ऑलरेडी आ गए हैं क्योंकि लोग जो है वो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा डेंजर में हो गए थे। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, जैसे कि हम लोग ने भारत स्टेज 6 पर हम लोग स्विच हो गए हैं भारत स्टेज 4 से, तो इसमें क्या हुआ, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आदेश दिए गए कि भारत स्टेज 6 वाली नॉर्म्स आपको अब फुलफिल करने हैं अप्रैल 2020 से, राइट। उसके लिए कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने का नुकसान होना शुरू हो गया क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कई सारी ऐसी व्हीकल हैं जो कि भारत स्टेज 4 एमिशन नॉर्म को फॉलो कर रही हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि अभी रुक जाओ, अभी और व्हीकल मत बनाओ, इनको निकालो जैसे जैसे करके। इसलिए आपने देखा अभी रिसेंटली कई सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या कई सारी कार्स के प्राइसेस जो है वो एकदम से डाउन हो गए कि कंज्यूमर जो है वो परचेस करें, बट द प्रॉब्लम इज कंज्यूमर परचेस नहीं कर पा रहे बिकॉज कंज्यूमर के पास भी पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लोग बाग जो है गाइस वो ऑलरेडी जीएसटी के आने के बाद, राइट, डीमोनिटाइजेशन का भी एक थोड़ा बहुत इफेक्ट है, उसके आने के बाद एग्रीकल्चर में लॉसेज होना शुरू हो गया, शेयर के प्राइसेज जो है वो डाउन हो गए, क्रैश हो गए, लोगों का नुकसान हो गया, लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टी के रेट जो है वो गिर गए हैं, गिरे तो नहीं यानी कि वो बढ़ नहीं रहे हैं, और लोग बाग जो है वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोगों को कहीं से भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिजनेस जो है वो नहीं चल रहा है, महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए लोग क्या हो रहे हैं, लोग बाग चीज़ों को परचेज नहीं कर रहे हैं। और गाइस देखो, ये इकोनॉमी जो होती है अगर वो ग्रोथ तभी करेगी जब कंजम्पशन बरकरार रहे, जब पैसे का फ्लो चलता रहे, जब लोग बाग जब चीज़ों को खरीदते रहेंगे ना तभी इकोनॉमी चलेगी। इकोनॉमी के सर्वाइव होने का ही एक कारण है कंजम्पशन। अगर जब तक लोग चीज़ों को कंज्यूम नहीं करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब तक आप किसी चीज़ को परचेज नहीं करोगे तब तक क्या होगा, तब तक चीज़ें बनेंगी नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक फिर उसकी सप्लाई भी नहीं होगी, राइट। द इशू इज दिस, तो जब तक डिमांड अगर खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिलना शुरू हो जाएगा, और अभी ये इंडिया विटनेस कर ही रहा है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं इस प्रकार से इजी तरीके से, और जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, जो भी मैंने भी आपको बताई है। तो हमने चीज़ें देखी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो कितना बड़ा सेक्टर है और इसके खत्म होने से बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसके कम होने से बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इसमें आप लिखेंगे कि जैसे कि कार है, कार को बनाने के लिए वेरियस और दूसरी इंडस्ट्रीज इसके साथ एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, जैसे कि टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें जो म्यूजिक सिस्टम बनता है, राइट, लगता है, स्टील की अगर हम लोग बात करें, वेरियस चीज़ों की, अगर आप हर एक चीज़ कार को डिसमेंटल कर लो, सीट्स वगैरह है, लेदर वगैरह है, तो सभी इंडस्ट्री में इम्पैक्ट पड़ता है, तो डायरेक्ट इंटर रिलेटेड है, तो इसको हम लोग को छोटी चीज़ नहीं समझनी है। और आप कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओ तो आपको देखने को मिलेगा कितने सारे वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं, और एक साथ अगर, जैसे कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन हुआ तो एक साथ काफ़ी सारे वर्कर्स को नौकरी से हाथ धो बैठना पड़ेगा, और बहुत बड़ी सिचुएशन जो है वो इंडिया के लिए ख़राब हो सकती है, और इस स्थिति में जहाँ पर ऑलरेडी इंडिया जो है वो स्लो डाउन की स्थिति में है, तो हम लोग को इंडिया की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एम्प्लॉयमेंट लानी पड़ेगी, फंड को रेज करना पड़ेगा, राइट। तो गवर्नमेंट को वेरियस मेजर्स जो है वो लेने की एट प्रेजेंट आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें थी गाइस इससे रिलेटेड, और बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको नया इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, और जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और इसकी PDF भी गाइस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, बट ये PDF जो होती है वो हमारे सिर्फ पेड कोर्सेज मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल होती है, और आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेड कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और पेड कोर्सेज में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस यहाँ पर समय समय पर आपको टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम को सर्च करोगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, एंड वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।